नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे घर में सर्दियों में जो राख लकड़ी जलाने के बाद या कोयला जलाने के बाद जो राख मिलती है, उस राख का हम अपने गार्डन में किस प्रकार यूज कर सकते हैं और राख हमारे गार्डन में हमारे पौधों के लिए कितना लाभकारी है। तो राख जो है ये फ्री का आपका कीटनाशक, फंगिसाइड और कंपोस्ट सभी का काम करती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो इससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इस राख को चाल लेना होता है, छान लेना होता है। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास राख है, जो लकड़ी से जली हुई हमारी राख है ये। तो इसको हम किसी छलनी की मदद से या किसी भी ऐसे पात्र की मदद से जिससे हमें बारीक राख के जो कण हैं वो मिल जाएं। तो देखिए, हमने इसको एक बड़े बर्तन में पूरी राख जो हमारी जली हुई इसको अच्छे से हम छान लेंगे। दोस्तों, छानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो बड़े टुकड़े होते हैं उन्हें हम पौधों पर नहीं डाल सकते और मिट्टी में मिलाने से भी ये हमारे मिट्टी को नुकसान पहुँचाएंगे। इसलिए हम इनको अच्छे से अलग कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों को छन्नी से। आपके पास छन्नी है तो छन्नी की मदद से, या फिर इस प्रकार मेरे पास ये जाली वाला वो है पात्र है, इससे मैं छान ले रहा हूँ इसको। और इन सबको छानने के बाद हम कहीं स्टोर भी कर सकते हैं इसको, कभी भी कितने भी दिन के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है और स्टोर करके इन्हें आराम से आखिर लास्ट तक यूज किया जा सकता है साल भर पूरे। इस प्रकार देखिए, छानने के बाद ये जो बड़े बड़े टुकड़े बचते हैं इनको अगर आप चाहें तो इनको जो भी कैक्टस प्लांट्स हैं आपके उनके गमलों में मिट्टी की जो तैयार करते हैं उन मिट्टी में आप मिला सकते हैं। ये कार्बन के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। तो एडेनियम हुआ आपका, एडेनियम के जो पॉटिंग मिक्स बनाते हैं उसमें आप इनको यूज कर सकते हैं, टुकड़ों को जो बचे हुए हैं। बाकी ये राख हमारी देखिए अच्छे से मिल गई है। इस प्रकार छानने के बाद हमें इस प्रकार की राख प्राप्त होती है। तो इस राख को फिर हमें हम कुछ 5-6 तरीके से इस राख को यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस राख को हम कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जो पहला तरीका होता है सबसे आसान, इसको आप जब भी किसी गमले के लिए मिट्टी तैयार करते हैं तो उस मिट्टी में इस राख को मिला लीजिए। मिट्टी में मिलाने का जो राख का मात्रा होती है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाती है तो ये आपके मिट्टी की एसिड वैल्यू जो है ख़त्म कर देता है। तो आप अगर 10 इंच या 12 इंच के पॉट के लिए मिट्टी बना रहे हैं तो आप 2 चम्मच तक आप राख उसमें मिला सकते हैं, 2 से 3 चम्मच राख उसमें मिला सकते हैं, आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी बनेगी। इसके अलावा दोस्तों, आप किसी गमले में मिट्टी भर चुके हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा टमाटर के पौधे का गमला है, तो ये देखिए आप मिट्टी कितनी हार्ड हो चुकी है। तो इस मिट्टी में आप राख को यूज कर सकते हैं। आप 12 इंच के गमले में 1 से 1.5 चम्मच राख महीने में सिर्फ एक बार आपको यूज करना है। इस प्रकार स्प्रिंकल कर देना है मिट्टी पे और इसको स्प्रिंकल करने के बाद आपको इसकी गुड़ाई कर देनी है। हल्की गुड़ाई कर देंगे तो ये मिट्टी को जो है पोरस बनाती है, मिट्टी में काफ़ी भुरभुरी और हल्की होती है मिट्टी इससे। इस प्रकार देखिए, हमने इसे हल्के हाथों से गुड़ाई कर देनी है। इसको हल्के हाथों से हम गुड़ाई कर देंगे और मिट्टी हमारी जो है इसमें राख मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमने मिट्टी की गुड़ाई कर दी है। अब इस राख को इस मिट्टी में मिलाने के कई फायदे होंगे। ये इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट और आपको कई तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इस राख में मिलेंगे, जो कि आपके मिट्टी में जो भी फंगस वगैरह होंगे उन्हें भी ख़त्म करेंगे। कीटनाशक जो होंगे, कीट होंगे, वो भी इससे राख से ख़त्म हो जाएंगे। और मिट्टी में जो कैल्शियम या मैग्नीशियम या बोरॉन या इन सब चीज़ों की कमी होगी निकल की, उसको भी ये राख पूरी करेगी। राख बहुत ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे पीएच वैल्यू को मेंटेन करती है। अगर मिट्टी इसकी मिट्टी के एसिडिक वैल्यू को एल्कलाइन करती है, एसिडिक वैल्यू को ख़त्म कर देती है। तो आप एक सीमित मात्रा में ही राख यूज कीजिए। अब जो दूसरा यूज है दोस्तों, वो मैं बताऊँ आपको कि आप पौधे की जो ये जड़ है इसके किनारे किनारे हल्का हल्का आप राख को स्प्रिंकल करके छोड़ दीजिए। इसको आपको गुड़ाई करके मिलाना नहीं है,
इतना करके आप छोड़ दीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो भी कीट होते हैं या चींटियां होती हैं, माइट्स होती हैं, ये आपके मिट्टी के रास्ते आपके पौधों पे नहीं जाती हैं। जहाँ एक बाउंड्री आपने बना दी है अपने पौधे की मेन स्टेम के किनारे, तो जो आपके मिट्टी से जाने वाले कीड़े हैं या माइट्स हैं, ये सब आपके पौधे पे इस राख की वजह से नहीं जाएंगे। अब तीसरा दोस्तों यूज मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ आप इस प्रकार देखिए, हरे कलर के आपके देखिए मिट्टी में लग जाते हैं इन फंगस कह लीजिए या फिर जो भी कहिए इनको, तो इस पे अगर आप राख स्प्रिंकल करते हैं तो इससे भी ये जो ये है ग्रीन कलर की आपकी सवाल जम रही होती है यहाँ पे, ये फिर ख़त्म हो जाती है, इसके आगे नहीं जम पाती है और इनकी ग्रोथ रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है और मिट्टी आपकी फिर से फ्रेश हो जाती है। तो ये तीसरा यूज हो गया दोस्तों। और चौथा यूज जो है, आप अपने पौधे पे, किसी भी पौधे पे, जो भी गार्डन में आपने पौधे लगा रखे हैं, उनकी पत्तियों पर राख को आपको इस प्रकार से स्प्रिंकल कर देना होता है। आप 15 दिन में एक बार ये काम जरूर करिए, पौधों पे राख का स्प्रिंकल, मिर्च का पौधा हो, टमाटर हो, बैंगन हो, इन पे खास करके। और आप जैसे कोई क्रीपर वेजिटेबल्स लगाते हैं, लौकी हो गई, नेनुआ, तरोई, तो उन पे भी आप इनको स्प्रिंकल कर दीजिए। इससे क्या होता है कि जो भी एफिड्स होते हैं, माइट्स होते हैं आपके पत्तियों पे, जो पत्तियों को ख़राब कर रहे होते हैं, तो उनकी पकड़ बहुत कमज़ोर हो जाती है इससे। और वो पकड़ कमज़ोर होने की वजह से पौधों से जो रस चूसते हैं वो नहीं मिलता है उनको, तो उनकी लाइफ वहाँ समाप्त हो जाती है और वो पौधों से गिर जाते हैं। अब दोस्तों जो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप पौधों पे स्प्रिंकल करते हैं राख को, तो आपको 24 घंटे के अंदर इसे पानी से धुल देना है। अगर आप नहीं धुलेंगे तो ये जो पत्तियाँ देख रहे हैं जहाँ पर राख लग गई हैं, तो ये लीफ बर्न हो जाती हैं फिर इससे। तो आपको इसको 24 घंटे के भीतर, राख स्प्रिंकल करने के 24 घंटे के अंदर, इनको आप पानी से धुल दीजिए। धुल देने से आपके जो भी इस पर एफिड्स हैं, माइट्स हैं, वो सारे पानी के साथ गिर जाएंगे, आपका पौधा फ्रेश हो जाएगा। तो ये दोस्तों चार पांच तरीके हैं जिन तरीके से आप राख को यूज कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊं कि आप राख को जो भी आप कंपोस्ट देते हैं अपने पौधों में, तो जो भी कंपोस्ट आप तैयार करते हैं, उस कंपोस्ट में आप 1 से 2 चम्मच, एक गमले में अगर आप कंपोस्टिंग तैयार कर रहे हैं तो उसमें 1 से 2 चम्मच आप राख का डाल दीजिए और उसको मिला के फिर कंपोस्ट दीजिए, तो ये आपके कंपोस्ट को पूरी तरह से बूस्ट करता है, चार्ज कर देता है और मिट्टी में मिलने के बाद और ज़्यादा लाभकारी हो जाता है वो कंपोस्ट। तो इस प्रकार आप राख का यूज कर सकते हैं। और एक बार राख आप इतना सारा बना लेंगे, इसको स्टोर करके आप रख सकते हैं और सालों साल इस राख को यूज कर सकते हैं। राख दोस्तों किसी भी चीज़ का हो, वो डैश हो, लकड़ी से जली हुई राख हो, या कोई उससे गोबर के उपले से, कंडे से जली हुई राख हो, या कोयले की जली हुई राख हो, आप किसी भी प्रकार की कोई राख हो, उसको छान के इस प्रकार रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हाँ, अब लास्ट में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना है राख को यूज करते समय, कि जिन पौधों को आपको एसिडिक वैल्यू ज़्यादा चाहिए, जिन पौधों को एसिडिक मिट्टी पसंद है, आप उन पौधों की मिट्टी में राख का यूज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये मिट्टी की एसिडिक वैल्यू को बहुत ही कम कर देता है। तो आप एसिडिक वैल्यू की नीड वाले पौधों की मिट्टी में राख का यूज बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।